बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। बिहार पुलिस के मुताबिक रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ उनके पैसे हड़पना था। साथ ही बिहार पुलिस ने रिया पर यह आरोप लगाया कि रिया ने बाद में सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी। बिहार पुलिस का रिया चक्रवर्ती पर आरोप, सुशांत को दवाओं का ओवरडोज देती थी रिया। खबरों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। दिल्ली फिर हुई शर्मसार, 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पीड़िता की हालत नाजुक। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मरीजों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अब भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो चुका है। सिर्फ 21 दिनों में 10 लाख मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटे में देश में 886 लोगों की हुई मौत, जबकि 62,538 नए मामले आए सामने, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई में भारी बारिश और तूफान ने रौद्र रूप अख्तियार किया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर एक किलोमीटर के एरिया में भारी जल जमाव है, सड़कें समंदर बन गई हैं। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, मुंबई में पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या बड़ी होती जा रही है। बाढ़ के कारण प्रदेश के 17 जिलों की लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। ऐसे में योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओखल को बाढ़ ग्रस्त जिलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। दोनों मंत्रियों के साथ प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी मौजूद रहेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। बिकरू गांव में दबिश देने से पहले शहीद क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र मिश्र का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें निलंबित एसओ विनय तिवारी की पोल खुलती नजर आ रही है। इस ऑडियो में शहीद सीओ ने बताया कि कैसे चौबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी ने दबिश से पहले उन्हें कॉल कर साथ चलने के लिए दबाव बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। अमेरिका में टिकटॉक और वी चैट पर लगाया गया बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के खिलाफ कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। वहीं अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से संघ कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिए गए डिवाइस में टिकटॉक के यूज पर बैन लगा दिया है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।